हमें पहली बात तो यह कि बहुत डर लग रहा है। हमारी आदमी बिल्कुल छुपके बैठी हुई है कि भाई अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इतना बड़ा वॉर की इन्होंने धमकी दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, मोदी जी भी डर के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सदमे में आए पड़े हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग कि भाई ये क्या हो गया। 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही जंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो जंगें तो बाद की बात है ना। मेरी मादरे मिले ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए? कोई जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, बिजली नहीं है, दूध महंगा, तेल महंगा, पानी महंगा, अगले दिन का खाना, अगले वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं ये पता नहीं है। आपको कश्मीर चाहिए, मिलेगा भी नहीं, जो है वो भी जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्राण न्यूज। टुडे वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन आवर प्लेट। पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक कक्कर रिसेंटली मेड ए बोल्ड स्टेटमेंट सेइंग हिज कंट्री इज रेडी टू फाइट ए वूपिंग 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। नाउ दैट्स ए बिग नंबर, बट लेट्स टेक अ मोमेंट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट डजंट एग्जैक्टली हैव द सेम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल muzzle as India. In fact, they are grappling with some serious economic challenges, relying on loans from the IMF just to keep things afloat. It's a tough situation for the people there. Now, the acting PM claims that Pakistan has pushed into fighting three wars with India and is now ready for 300 more if necessary. Hold on a minute. Let's look at the numbers. India boasts the fourth largest army globally with a whopping 1.45 million active soldiers. Meanwhile, Pakistan has about 6,54,000 soldiers. That's a significant difference. India's got some high-tech weaponry in its arsenal, stuff that Pakistan doesn't even have. And when we talk about the economy, it's like comparing apples to oranges. India's economy is soaring at 4 trillion while Pakistan is struggling at just $350 billion. In the midst of all this, the acting PM's claims might raise a few eyebrows. It's essential to consider the ground reality. The country is facing economic hardships, and such statements might just add to the challenges rather than help. Now let's dive into the reactions from the people and the media in Pakistan. सब्जी लेने चले जा रहे थे कि अचानक बीच में कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा मिल गया और उसने कहा आइए हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, क्योंकि इनकी हरकतें इनकी बातें सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है। इनका एक स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको सुनवाती हूँ। करता चलो कि तीन मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। और मेरा ख्याल है कि ये सुनकर यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथी मिनिस्टर अमित शाह साहब यकीनन खुश हो गए होंगे और कह रहे होंगे कैसे लोग हैं ये, आओ जी आओ बिस्मिल्लाह करो। और सबसे पहली बात तो ये कि जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं सर, पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए, बाद में 300 बार क्या, आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है, ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको इनको कौन बताता है? मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी थ्री इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर, और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इनके कोई पुराने दुश्मन जो है उनको रख दिया गया है इनके स्टाफ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वजीर आजम हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है, हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है।
अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो निगरान वजीर आजम आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर, जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगे तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं, जंगे तो बाद में लड़ी जाएंगी ना। पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिसॉल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है, आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता बयान देना। इनका राइट बनता है 3 महीने के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने, वो काम तो इन्होंने किया नहीं है। जंग लड़ने की जरूरत क्या इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहां पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है, हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो वो भी 26 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं वहां की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम इनसे देखें और हमारा देखें, हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे। तो डेट भी वैसी थी जहां पर ये पहले इनके 90-95 हजार लोगों ने पैंटे उतारकर हमारे सामने सरेंडर किया था, आप तो भूली नहीं होंगी, मुझे याद है। तो ये ककड़ी ने भी बोल दिया ये चीज कि भाई हम कश्मीर लेके रहेंगे, 300 बार युद्ध करेंगे। ओ भैया 3-4 बार तो करके अपने हालत देख ली अपनी, और वो भी तब जब आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आज की डेट में आपकी पोजीशन ये हाल है कि भाई टीटीपी आपसे संभल नहीं रहा, हर रोज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं और आपकी पतलून वो खुद उतार उतार के वो लटका के दिखाते, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है, टीटीपी वालों ने तो आपकी जान ली पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप जाते हो वहां पर गाड़ी लेकर, आधे रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, वो आते हैं ठोक के चले जाते हैं आपके पास, गोली चलाने लगते हो तो मेड इन चाइना होती है तो गोली निकलती नहीं है, निकलती भी है पीछे की तरफ आ जाती है, आपके बंदे मर जाते हैं, ये तो हालत है आपकी। अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई, जब इख्तियार तुम्हारे पास है, अहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगे की थी, 4ों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, हम लोग ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? लेकिन वहां के कश्मीर में जाके देखे, वहां पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहां पे तरक्की इतनी हो रही है, हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे? वहां का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है? वो भाई उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वो बहुत तरक्की वाला कश्मीर है, हमारे में बस क्या लोग जाते हैं सड़कें बना देते हैं टूरिज्म करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे गुर्बत कितनी है, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जाके देखे, स्कूल भी बने हुए हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत मिल गई है। तो मैं तो कहता हूँ यही मेरा जो इंडिया ने कहा है ना कि हम लोग नहीं देना चाहते, तो भाई मैं इंडिया के साथ हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमें भाई उनका इतना तरक्की याफ्ता कश्मीर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे में हमें इतनी इज्जत रास नहीं है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की जंग लड़ सकते हैं, ये मजदूरी लिए जो जहाज तुमने रखे हुए हैं ना सब फालतू है। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ना, वो तुम्हें तो पढ़ाई से जुतियां मार दे, एजुकेशन से तुम्हारे मुंह पर चपेड़े मारे, बाकी हाथ की जंग तो लैदा, तलवारों की जंग तो लैदा, तुम उसके एजुकेशन के बराबर तो आ जाओ, चंद्रयान के लेवल पे तो आ जाओ, जो इसरो का वो उन्होंने किया उसके लेवल पे तो आ जाओ। उसके अलावा मैडम देखा जाए तो वो जो ट्रेन चलाई है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, उसको देख ले हमारे इधर क्या चल रहा है, बताएं मुझे, आप बताएं। ट्रेन वो भी खाली लाहौर के हदूद के अंदर ही चलती है। 10 करोड़ आवाम पाकिस्तान की गरीबी में, गुर्बत में वक्त गुजार रही है, अगले दिन का खाना अगले वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं ये पता नहीं है। आपको कश्मीर चाहिए, मिलेगा भी नहीं, जो है वो भी जाएगा। बांग्लादेश टूटा आपसे क्यों, आपकी पॉलिसीज के कारण। बिल्कुल सही, आपसे बलूचिस्तान टूटेगा, सिंध टूटेगा, पख्तूनिस्तान आपका अलग बनेगा, ये जब भी आपका मुल्क टूटेगा या आपकी वजह से टूटेगा, हमारी वजह से टूटेगा।